खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब आप एक पेंटिंग बनाते हो तो सबसे पहले पेंसिल से स्केच करते हो, फिर उसमें शेडोज को काला करते हो जिससे आपको लाइट और डायरेक्शन का पता चलता है। उसके बाद आप उसमें रंग की दो तीन लेयर्स भरते हुए सैचुरेशन और कलर को एडजस्ट करते हो, फिर फाइनल टच देते हुए आपकी पेंटिंग पूरी होती है। इसी तरह किताब लिखी जाती है, पहले उसमें प्रेमिस या बेसिक नॉलेज का ढांचा खड़ा करते हैं, उसके ऊपर रीजनिंग और रिसर्च की लेयर्स चढ़ाते हैं और साथ में कहानी से लेयर्स को जोड़ते रहते हैं। इसलिए जब आप किसी भी टॉपिक पर किताब पढ़ते हो तो आपकी सोच कई स्तर पर गहरी होती है। गहरी सोच का एक और कारण है टाइम एंगेजमेंट। आप एक किताब 6 से 12 घंटे में पढ़ते हैं, जहां आप एक टॉपिक के बारे में ही सोच रहे हैं। असली जिंदगी में हम कभी इतना समय किसी एक चीज के बारे में सोचने या समझने में नहीं लगाते। इसलिए किताब पढ़ने में लगने वाला समय हमारी सोच को विकसित होने का भी मौका देता है। तीसरा पॉइंट है स्टोरीज इज इक्वल टू पर्सनल कनेक्ट। हर अच्छी किताब अपनी बात कहानी से कहती है, क्योंकि कहानी की खासियत होती है कि वो पढ़ने वाले के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाती है। इंसान इंफॉर्मेशन तो भूलता है, लेकिन कहानी और भावनाएं याद रखता है। कहानी में असली दुनिया के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लेसन्स भी छुपे होते हैं, जिस कारण पढ़ने वाला उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में कनेक्ट कर जाता है। दूसरी ओर बुक समरीज केवल ड्राई इन्फॉर्मेशन होती है, आपसे कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं बनता। इन्फॉर्मेशन आती है और बहुत जल्दी चली जाती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहती। बुक समरी सुनने का या उनको पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो अगला सवाल है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी में पढ़ने का समय कैसे निकालें। चौथा पॉइंट है रीडिंग फॉर प्लेजर। काम के बाद इंसान सबसे ज़्यादा समय सोने और मज़े में खर्च करता है। आज इंडिया में हर लोग कम से कम 3 घंटे सोशल मीडिया और टीवी में खर्च करते हैं। अगर आप इसका 30% समय यानी 1 घंटा भी किताबें पढ़ने लगें तो क्या होगा? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर हम पिछले 500 साल का इतिहास देखें तो समाज का एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा 0.01% के आसपास जो मज़े के लिए किताबें पढ़ते आया है, ये लोग अधिकतर पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, लॉयर्स या प्रोफेसर हुआ करते हैं और धीरे धीरे बेमिसाल एक्सपर्ट नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं। इस एक्सपर्ट नॉलेज के दम पर समाज का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। इसका मतलब अगर आप मज़े के लिए पढ़ना सीख जाएं, तो आपके जीवन में प्रोग्रेस होकर रहेगी, क्योंकि प्रोग्रेस की पहली सीढ़ी है कल्पना और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के जरिए आप पुरानी विचारधारा तोड़ सकते हो, इसके साथ आप फीलिंग और एक्शन से जुड़ सकते हो। आप वो सब करने लग जाते हो जो अभी तक आपके लिए संभव नहीं था। बुक समरी सुनकर लगता है कि आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन आपकी इमेजिनेशन का इंजन चालू नहीं होता। तो सवाल है कि हम मज़े के लिए किताब पढ़ना कैसे शुरू करें। कई लोग सोचते हैं कि किताब पढ़ने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत है। स्पीड दूसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, बिना नज़र उठाए 300 शब्द पढ़ जाओ, यानी करीबन 1 पेज पढ़ जाओ। इससे आप किताब में चल रही कहानी से कनेक्ट कर जाओगे और आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। जब हमारा ध्यान बार बार भंग होता रहता है, तब हम पढ़ने में क्या किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। इसलिए स्पीड से पहले कंसंट्रेशन। शुरुआत में अपने इंटरेस्ट और अपने फील्ड की ही किताब उठाइए। मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो IT में टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, इस पर कोई दिलचस्प नॉवल उठा लीजिए। हमको कैसी किताबें पढ़ना चाहिए? शुरुआत में नॉवेल्स तो ठीक है, अगर आप किताब पढ़ के सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो कुछ किताबें आप बार बार पढ़ो जब तक वो लेसन आपके अंदर ना उतर जाए। मैं किताबों को 2 टाइप्स में बांटना पसंद करता हूँ, एक नॉलेज ओरिएंटेड और एक एक्शन ओरिएंटेड। जिस किताब का हर चैप्टर पढ़ के आपको एक्शन लेने के लिए 4 नए आइडियाज आए कि हाँ, मैं ये चीज़ इस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ या ये चीज़ मुझे हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ऐसी एक्शन ओरिएंटेड किताब के कुछ पेज मैं हर दिन पढ़ता हूँ, जिससे मैं उस सीख और एक्शन से जुड़ा रहूँ। एक्शन ओरिएंटेड किताब कौन सी है, वीडियो के आखिर में देखेंगे। सबसे कॉमन सवाल जो हम सब पूछते हैं कि ऑडियो सुने, ई बुक पढ़ें या हार्ड कॉपी। हम बुक्स और अच्छी कहानियों के जरिए स्ट्रक्चर थिंकिंग सीखना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं पढ़ने से बहुत बेहतर है ऑडियो बुक सुनना, खासकर जब हम सफर कर रहे हैं या हम साफ सफाई का काम कर रहे हैं।
ऑडियो बुक सुनने से अच्छा है ईबुक्स पढ़ना, क्योंकि आपका दिमाग विजुअल रेफरेंसेस बेहतर याद करता है। और ईबुक्स पढ़ने से अच्छा है हार्ड कॉपी पढ़ना, क्योंकि विजुअल के साथ फिजिकल रेफरेंस भी जुड़ जाता है कि वो बात भारी किताब के बीचों बीच पेज के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर के कॉर्नर में लिखी हुई थी। इन रेफरेंसेस के चलते बात ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। हर दिन 10 पेज के लिए बार बार पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी पढ़िए। क्यों? नंबर एक, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। नंबर दो, पेज खोलकर पढ़ना केवल एक स्टेप का काम है, इसलिए हार्ड कॉपी से रोज पढ़ने की आदत डालना आसान है। दोस्तों, हम ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना चाहते, ज़रूरी है कि हम एक्शन ओरिएंटेड किताब से हर दिन जुड़े रहें। 3 किताब सजेस्ट कर रहा हूँ, खासकर स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिविटी के लिए डीप वर्क, कम्युनिकेशन के लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको एहसास होगा कि हाँ भाई, ये चीज़ तो मुझे पता थी और आज से मैं इस तरीके को फॉलो करूँगा। हैबिट्स के लिए एटॉमिक हैबिट्स पढ़ के उसके चारों लोगों को हर दिन अप्लाई कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इन किताबों की अफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगी। अगर हार्ड कॉपी खरीदें तो इस लिंक का उपयोग ज़रूर कीजिए, हमको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड पर वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक्यूरेसी के साथ स्पीड बनाते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।